दोस्तों मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको नमक की जानकारी दी थी कि आप एक्वेरियम में नमक का इस्तेमाल करें। उसके बाद मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर ये नमक कौन सा है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे तो अधिकतर मैं सभी कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए जिससे कि मैं आपको नमक के बारे में पूरी जानकारी दे दूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप देख रहे हैं एक्वेरियम नीड्स। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस नमक के बारे में कि नमक होता कौन सा है। दोस्तों ये ग्रेवल्स फॉर्म में आता है, क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं इसके। इसे मोटा नमक या साबुत नमक भी बोलते हैं। दरअसल ये सी सॉल्ट होता है, ये समुद्र से तैयार किया जाता है। जो समुद्र के तटीय इलाके हैं वहाँ पर छोटे छोटे पॉन्ड बनाकर पानी को स्टोर किया जाता है। पानी स्टोर करने के बाद जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है तो क्रिस्टल फॉर्म में ये नमक बसता है। बाद में इसी नमक को साफ़ करके खाने लायक बनाया जाता है, जिसमें आयोडीन वगैरह मिलाकर बाज़ार में जो टाटा नमक या शक्ति नमक के नाम से जितने भी आते हैं वो सभी नमक ये खाने वाले ही होते हैं। लेकिन दोस्तों हमें अपने एक्वेरियम में खाने वाला नमक इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें आयोडीन मिक्स होता है। तो दोस्तों उसमें आयोडीन मिक्स होता है और आयोडीन फिश को नुकसान करता है, इसलिए हमें यही नमक इस्तेमाल करना है। अगर आपके यहाँ ये वाला नमक ना मिले तो आप रॉक सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे सेंधा नमक बोला जाता है। लेकिन अगर आप यही वाला नमक इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स की। अगर आप एक्वेरियम में इसका नमक का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। सबसे पहला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें वाइट स्पॉट है, फिन रूट है या मछलियों पर ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, पंख गलने लगते हैं, वो सभी बीमारियां इस नमक की वजह से नहीं होती। और वाइट स्पॉट में नमक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपके एक्वेरियम में फ़िश पर वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, और अधिकतर ये मौसम जब चेंज होता है, जब भी टेम्परेचर 28 डिग्री से नीचे जाता है तो वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम होती है। अधिकतर बरसातों में भी वाइट स्पॉट फिश पर आने लगते हैं, तो आप ये नमक का इस्तेमाल अपने एक्वेरियम में करें। साथ ही जो एंटी ईच ब्लू कलर की जो मेडिसिन आती है, जिसे मैथिलीन ब्लू के नाम से जाना जाता है, वो आप अपने एक्वेरियम में इस्तेमाल करें। साथ ही हीटर लगाएं, 28 डिग्री टेम्परेचर पे रखें और फिल्टर चलने दें, तो 2 से 3 दिन में वो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप एक्वेरियम में नया पानी भरते हैं तो 15 से 20 दिन बाद उसमें एक बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा फिश जैसी स्मेल आनी स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती जाती है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो नमक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नमक एक्वेरियम में यूज़ करें तो आपका पानी चाहे कितना भी पुराना हो जाए, 2 महीने या 3 महीने पुराना हो जाए, तो उसमें से बैड स्मेल नहीं आएगी। अगला फ़ायदा ये है दोस्तों, इसमें मछलियों का पेट भी साफ़ रहता है। इसके अलावा जितने बैक्टीरिया पनपते हैं एक्वेरियम में, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, या आप नई फिश इंट्रोड्यूस करते हैं अपने एक्वेरियम में, वहाँ से कोई बैक्टीरिया आ जाता है, तो ये नमक उस बैक्टीरिया को भी डिहाइड्रेट करता है। इसका काम यही है, बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट कर देना, जिससे कि बैक्टीरिया अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो आप नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों ये कौन कौन सी फ़िश में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर की जितनी भी फ़िश होती हैं उसमें आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लांटेड टैंक में अगर आपने लाइव प्लांट लगाए हुए हैं तो उसमें आप नमक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो आपको प्लांटेड टैंक में नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी जितने भी फ्रेश वाटर एक्वेरियम है, आप चाहे कोई से भी फिश पालते हैं, वहाँ पे आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। तो जब भी आप वाटर चेंज करें, और या इसके अलावा अपने एक्वेरियम को क्लीन करें, ये आपको तभी डालना है, आपको बार बार नहीं डालना। आपको इसे सिर्फ जब ही डालना है जब भी आप वाटर चेंज करेंगे या एक्वेरियम को क्लीन करेंगे, उसी वक्त डालना है। जैसे धीरे धीरे पानी एक्वेरियम से वेपोरेट होता रहता है और आप उसमें फिर से पानी ऐड करते हैं, तो उस टाइम आपको नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्वेरियम से सिर्फ पानी वेपोरेट होता है, नमक वेपोरेट नहीं होता। तो आपको सिर्फ दो ही कंडीशन में इस नमक को डालना है, या तो आप वाटर चेंज करेंगे या एक्वेरियम को क्लीन करेंगे। इसके बाद आप बात करते हैं कि इसकी डोजेस क्या हैं, आपको ये कितने ग्राम नमक एक्वेरियम में डालना है। तो दोस्तों इसे डालने का बहुत सीधा मेथड है, 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर ये एक्वेरियम में डाला जाता है।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एक्वेरियम में कितने लीटर पानी आता है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि एक्वेरियम में का वाटर वॉल्यूम कैसे नापा जाए। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके एक्वेरियम की पानी की कैपेसिटी कितनी है, जिससे कि आपको नमक या मेडिसिन मिलाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिलाना है। अगर आपका 2x1 का टैंक है तो उसमें 60 से 65 लीटर पानी आता है, तो उसमें आप 50 से 60 ग्राम नमक डालें। हमारा फॉर्मूला अलग है क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है। अगर हमारा 2x1 का टैंक है तो उसमें हम 50 से 60 ग्राम नमक डालते हैं। अगर 2.5 फीट का टैंक है तो 75 से 80 ग्राम, और अगर 3 फीट का टैंक है तो 100 से 125 ग्राम तक नमक डालते हैं। इसी तरह आप अपने वाटर का वॉल्यूम नाप लीजिए और एक्वेरियम में उसी अनुपात से आप नमक डालिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।